जैद शेख साहब आए हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे जैद शेख जी? नहीं, मैं नहीं कुछ बोलूंगा, बोलूंगा तो लड़ाई हो जाएगी। क्यों? लो आप डिफेंड करो ना, ये क्या बात हुई? डिफेंड कर लेते हैं, हाजिर इसलिए हुए हैं। करें पान शुरू। खा रहे हो शाही जी? पान खा रहे हो? नहीं, सिंगाड़े खा रहा हूं। हाँ जी बोलो हाँ बोले, हम जी, इस बात बताइए उतरा हमको है। ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको आप कैसे समझाएंगे? इसमें जो ये चीजें लिखी हुई है, जो औरतें जो तुम्हारी ममलुकत हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। बातें हाँ, चलें दिखा लें। हाँ ये वाला, ए नबी हमने आपके लिए आपकी बीवियां हलाल कर दी हैं जिनके आप मेहर अदा कर चुके हैं, और वो औरतें जो तुम्हारी ममलुका हैं, ममलूम का हैं, जो अल्लाह ने आपको गनीमत में दिलवाई हैं, और आपके चचा की बेटियां और पप्पियों की बेटियां और मामों की बेटियां और खालुओं की बेटियां जिन्होंने आपके साथ हिजरत की, और मुसलमानों को भी ब्लाउज अपने को पैगंबर को दे दे, बशर बशर्ते के पैगंबर इसके निकाह में लाना चाहेंगे, ये खालिस आपके लिए है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मेरी बात यानी इस तरह है सारी कि सारी सारी औरतों की इजाजत थी। कजन के रिश्ते बताए हैं ना महलीज, कजनों के रिश्ते, जो इसमें यही बताया गया है कि आप कजन, जो आपके कजन हैं, पुप्पी के बेटे, खाला के बेटे या हाँ बेटियां, नहीं मैं वो आप तो बताया, उनसे। मगर उसमें वो बताया है कि आप किसी के साथ भी शादी कर सकते हो, आपको इजाजत है, सिर्फ आपको इजाजत नहीं है शायद जैद शेख जी, हमें नहीं इजाजत? क्यों जी? ये हाँ, लिखा वो है ना? नबी की बीवियां जो हैं, नबी की बीवियां जो हैं, उनसे हम शादी नहीं कर सकते, जो नबी की बीवियां इनके हैं, बारे में तो क्योंकि कोई वो बात उम्र नहीं हो। देखिए 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 उन्हें देखिए, मिस। मेरी बात सुने, ये दीन है इस्लाम हमारा, ठीक हो गया, उसमें अल्लाह ने एक हुक्म हमें जारी किया है, हम उस पर कारबंद हैं। अब ये क्यों कहा है, क्यों नहीं कहा, ये इसका तो फिर लंबा जवाब हो जाएगा, तो ये तो इस तरह आप थोड़ा तो होगा फिर लंबा वैसा। गलत है, आप कह रहे हैं कि इसमें हमें रिश्ता बता रहे हैं, मगर इसमें ये नहीं रिश्ता बता रहे, इसमें ये तो बता क्या रहे बता हैं रहे कि ये वक्त ये? मोहम्मद इनमें से सब में से शादी कर सकते थे, मगर ये सारी इजाजत जो है प्रिविलेज दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए सिर्फ चार ही बीवियां हैं, यानी उनकी, ये नहीं लिखा कि हाँ आप उनकी बीवियों हाँ से शादी नहीं कर सकते हो, उसमें ये लिखा है कि इतनी औरतें सिर्फ मोहम्मद जी रख सकते थे, इतनी वाइस, दूसरे आप नहीं रख सकते। हम नहीं रख सकते, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। हम सिर्फ चार कर सकते हैं, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत थी उनकी, ये उनको, वो अल्लाह के रसूल भी थे, तो अल्लाह ताला ने। नहीं, मुझे आप बात बताओ ना एक, मगर इतना इतना आप मुझे एक बात बताएं, आपकी भी शादी हो गई है राइट? हो गई ना आपकी शादी? हाँ, शादी हुई है आपकी? एक हाँ, आप अगर आपकी वाइफ अभी मल्टीप्लाई कर दे 4 टाइम्स, आप उसको हैंडल कर सकते थे 4 को? नहीं, नहीं ना, मैं नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने की नहीं। लेकिन तो भाई उसका एक तरीके का बात बताएं आप, मेरे, नॉर्मल जो बंदा होगा ना, वो वाकई में एक से ज्यादा औरत जो है ना संभाल नहीं सकेगा। मैं भी एक से ज्यादा मर्द को ना डेट नहीं कर सकती, मुझसे नहीं संभलता ड्रामा, ठीक है ना? इन नॉर्मल आप मुझे एक बात बताओ, तो एक अनगिनत अमाउंट ऑफ औरतें एक किसी को ग्रांट कर दी है कि भैया आपको अनगिनत औरतों की, कैसे करेगा वो? हाउ? मिस आप मेरी बात सुने, वो आप नबी को तो हमें बराबर तो ना करे। नहीं तो आपके, देखिए आपके नबी नहीं, भी इंसान ही थे ना। ये अलहदा बहस है, ये अलहदा नहीं, बहस मगर है, एक लेकिन इंसान अगर को तो इंसान ही मानते, इज्जत, एक इंसान इतने सारी औरतों के साथ किस तरह हम बिस्तरी कर सकता है, इतनी औरतों के साथ कैसे यानी रिलेशनशिप रख सकता है? दिमाग नहीं फट जाएगा आपका? चाहे आप औरत को कितनी भी उसमें रख लो, चिक 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 चिक, फिर भी थोड़ी सी पीछे होती है, यू नो? सो आई एम जस्ट सेइंग कि दिस मिस इज उनकी वो अल्लाह के रसूल थे, उन्होंने दिखाया था कि अपनी बीवियों को आपने कैसे रखना है। 1 मिनट, मैं दोबारा हाजिर हो जाऊं, मेरा अच्छा, ना जरा आ जाओ, हाँ को बता दो, चलो ठीक है।